जाना चाहिए तब तक जब तक कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को रखी गई है और इस पर अंतरिम रोक लगा दिया गया है और उसके बाद 3 जुलाई के बाद फैसला होगा कि इससे आगे क्या करना है। अहम फैसला है पटना हाईकोर्ट का अभी लेकर के कि किस तरह से जाते गणना को लेकर सरकार ने अपना पक्ष रखा था। ये सर्वे किया जा रहा है और याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि इस तरह से ये जनसंख्या की आबादी को और जाति आधार पर उसे गणना की जा रही है। तो इसके तहत में पटना हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है, ये माना जाएगा कि 3 जुलाई तक अब इस पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं होगी और उससे बड़ी बात कि कोई डेटा को तब तक बाहर नहीं लाया जाएगा, एक भी डेटा कहीं से भी वो लीक नहीं होनी चाहिए। ये सख्त आदेश निर्देश है पटना हाईकोर्ट का। तो इस तरह से बिहार सरकार को अंतिम तौर पर देखा जाए तो झटका है, ये पहला मौका है। इसके बाद यह देखना होगा कि 3 तारीख को 3 जुलाई को क्या पूरी फैसला आता है। जी, 3 जुलाई तक अगली सुनवाई तक कोई भी डेटा लीक नहीं हो सकता है, सामने नहीं आ सकता है। प्रशांत प्रकाश लौटेंगे आपके पास, यहाँ पर रुपए छोटे से ब्रेक के लिए जल्द आते हैं।